राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के बैनर तले निषाद समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि सपा, भाजपा, बसपा व कांग्रेस पार्टी निषाद समाज के लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। इन दिनों निषाद समाज के लोगों पर अत्याचार बढ़ा है। आए दिन निषाद समाज के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। परिषद के जिलाध्यक्ष दिनेश निषाद ने कहा कि सपा सरकार में निषादों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। बरी में निषादों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, इसी के संबंध में 28 जो है अप्रैल 28 अप्रैल को ना 28 अप्रैल को जो कार्यक्रम के माध्यम से लोग घटना घटी है, उस घटने में हमारे एक पदाधिकारी को जो है कुछ लोग क्या नाम है उसका कमलेश के भाई दुर्गेश निषाद को मार करके बेदम कर दिए। उसी को FIR दर्ज कराने के लिए कमलेश निषाद थाने में गए। थाने में SO ने बैठा लिया और बैठाने के बाद जो है जेल में भेज दिया। उसी को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अवगत कराना चाहते हैं कि जो है बेसहारे और इनके ऊपर जो जुल्म ढाया जा रहा है, प्रदेश में जुल्म ढाया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय काम कर रही है प्रदेश सरकार। और ये प्रदेश सरकार बहुत ही जल्द निषादों के बल पर जो बनी है प्रदेश सरकार, निषाद इनसे अब घबरा गए हैं। निषादों के ऊपर यही जुल्म ढा रहे हैं, दूसरी कोई बिरादरी के लोग नहीं ढा रहे हैं, केवल ये मुख्यमंत्री के ही लोग, यादव ही वर्ग के लोग जुल्म ढा रहे हैं, जिससे निषाद अब इनको मना कर दिए हैं कि यह सरकार जल्द से जल्द हटा दी जाए और इनको जो है फेंकने का काम करेंगे राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के लोग, जो 24.75% प्रदेश में निषादों की आबादी है, इनसे अब दूर हो गए हैं।